Hi everyone, welcome to our channel Pinnacle Study Group. In this video, we will discuss the important topic of Hindu of the 30th March 2020. So this is the first part, and the first part we will cover editorials, okay? Editorials and some important topics of first 5 to 7 pages of the Hindu. So let's start the topic. आज के न्यूज़पेपर में मोर देन 50% कंटेंट तो कोविड-19 का है, सो वी विल स्किप दिस ऑल टॉपिक्स, ओके, एंड फोकस ऑन ओनली मेन्स टॉपिक. स्टे वेयर यू आर, केजरीवाल टेल्स वर्कर, आपको पता ही है, ये सारे कल परसों की जो न्यूज़ चल रही है उसी के बारे में मेंशन किया गया. सेंटर सस्पेंडेड, टू दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दिल्ली रिपोर्ट 23 कोविड-19 केसेस, बेड्स एंड ब्लैंकेट्स फॉर 18,478 in the capital, gallery launches virtual tour of collection, migrate work defy lockdown and stage protest in Kerala. तो ये सारे टॉपिक हम स्किप करेंगे. EPF members can take out non-refundable advance amounts, ये पेज नंबर 18, तो ये हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसके बारे में. Left with no work, Gond आदिवासी survive on roti and salt. And cricket should be the last thing on one's mind at moment, say Ravi Shastri. तो ये था brief. अब next first topic है हमारा, interstate bus dwindle and migrants are stuck out with nowhere to go. तो ये भी कल यूपी दिल्ली का सारा issue चल रहा है, जो जितने भी workers हैं सारे plan कर गए हैं. Migrants worker to be stopped quarantine at border center. तो सेंटर ने ये कहा है कि माइग्रेंट को जहाँ पर वर्कर को स्टॉप किया जाए और उसको बॉर्डर पे क्वारंटाइन किया जाए. तो ये यू नो ये भी सिंपल सा टॉपिक है. नेक्स्ट है आई अपोलोजीज फॉर टफ स्टेप्स, मोदी ने ये भी सिंपल सी बात बोली थी कल मन की बात में. एंड अलार्मिंग स्पाइक, अब ये टॉपिक थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं. टोटल ऑफ 132 कोविड-19 केसेस वर डिटेक्टेड ऑन संडे. 132 केसेस नए आए हैं, विद ओवरऑल काउंट रीचिंग 1119 एंड इंडिया टच 1000 मार्क जस्ट 5 डेज आफ्टर क्रॉसिंग 500. 5 दिन के बाद ही ये एकदम से हाइक देखने को मिल गया, क्लियर, विच इज वेरी अलार्मिंग रेट. एंड नेक्स्ट इसमें यही कहा गया है, केस सर्ज, आईसीएमआर डिनाइज कम्युनिटी ट्रांसमिशन, टोर स्टाफ हेल्प फॉर डिनाइंग एंट्री टू नागास, वर्कर सॉरी वुमेन वॉरियर्स ज्वाइंट बैटल अगेंस्ट वायरस. ये फर्स्ट पेज में आप देख रहे हो, कोई खास टॉपिक नहीं था, तो आप ये पूरा पेज स्किप कर सकते हो फर्स्ट, ओके. नेक्स्ट है सेकेंड पेज की बात करते हैं. अब सेकेंड पेज में भी ये भी सारा भी चीज़ें, स्टेयरिंग एट फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, तो यू कैन स्किप दिस कंप्लीट पेज. दिल्ली पुलिस ब्लॉक्ड रोड एट सरायकाले खान, इंक्रीज पिकेट डिप्लॉयमेंट, पुलिस चीफ टेल ऑफिसर्स, पीपल कम फॉरवर्ड टू हेल्प अथॉरिटीज, ये भी सिंपल, ये भी टॉपिक स्किप कर दीजिए. डू नॉट लीव दिल्ली, अरविंद केजरीवाल अपील टू माइग्रेंट वर्कर्स. तो मैंने पहले बताया कि आज में से 50% से ज़्यादा तो कोविड-19 के बारे में, तो ये आप सारा स्किप कर दीजिए. कैपिटल रिकॉर्ड 23 न्यू केसेज एंड बिगेस्ट जंप इन सिंगल डेज, देखो हर जगह तो कोविड-19 के बारे में बात की जा रही है. दिल्ली गवर्नमेंट हिट आउटसाइड आप गवर्नमेंट फॉर एक्सोडस, एक दूसरे को क्रिटिसाइज किया जा रहा है. खाड़ी बौली माइग्रेंट्स वर्कर्स शुड हेड होम, ये भी स्किप कर दीजिए. गवर्नमेंट फ्री फूड फैसिलिटी नॉट फाउंड इन टू स्कूल्स, फायर ब्रोक आउट बर्निंग एंड सिविक बॉडी टू कंट्रीब्यूट कोविड-19 रिलीफ फंड. यहाँ पर रेस्टोरेंट एसोसिएशन अपील टू लैंडलॉर्ड टू वेव 3 month रेंट, अरविंद केजरीवाल भी यही कह रहे हैं कि आप अपने रेंट को वेव कर दीजिए. फेक UPI एड्रेस फाउंड रजिस्टर्ड अंडर PM केयर फंड FIR लॉज, तो PM केयर फंड में किसी ने UPI फेक UPI एड्रेस बना ली है, जिससे उस पर FIR लॉज हो गई है. गैलरी लॉन्चेस वर्चुअल टूर ऑफ कलेक्शन, तो सेकेंड पेज भी आप स्किप कर दीजिए सारा, ओके. मोर 5 more टेस्ट पॉजिटिव वायरस इन MP, मास एक्सोडस क्लियर, इस तरह भी प्लान हो रहा है. लाल कुआं द न्यू एपी सेंटर, बस स्टैंड सभी यहीं पर ही हैं. शेल्टर होम इन UP टू कंट्रोल माइग्रेशन,
टू मोर पॉजिटिव केसेस इन राजस्थान, सेकेंड कोविड 19 डेथ इन कश्मीर एंड 5 मोर टेस्ट पॉजिटिव। यहाँ पर बच्चे खेल रहे, पिक्चर में मेंशन है। हावड़ा स्टेशन ब्रेसेस फॉर अदर बैचेस ऑफ पैसेंजर, क्लियर। जो बसेस सॉरी पैसेंजर्स के लिए जो स्टेशन है उनको अब नया, उनकी बोगियों को ठीक है नए हॉस्पिटलाइज में कन्वर्ट किया जा रहा है। कंसर्न ओवर मिसिंग पर्सन पीपल पिच इन ईज लॉकडाउन माइसरी ऑफ अदर पेरेंट्स वरीड एट ओडिशा गवर्नमेंट हैंडेड ओवर चिल्ड्रन टू किन। तो थर्ड पेज भी सिंपल था, तो थर्ड पेज में भी कुछ भी नहीं है ठीक है। तो थर्ड पेज भी अब फोर्थ थर्ड फोर्थ सारे स्किप कर दिए। फिफ्थ पेज साउथ के माइग्रेंट वर्कर होल्ड मैसिव प्रोटेस्ट दो स्टैंडर्ड टू गेट शेल्टर कर्नाटका सीएम, ये भी सिंपल है तो आप ये सारा स्किप कर दीजिए। यू कैन स्किप दिस ऑल ओके। कर्नाटका फॉर्म ऑन सीलिंग बॉर्डर, तो ये सारा आप स्किप कर दीजिए पेजेस। इट वॉज ट्रॉमेटिक एट फर्स्ट आई इमर्स माइसेल्फ इन बुक्स। अब टॉपिक शुरू होता है हमारा यहाँ से क्लियर। एंड द टॉपिक इज फर्स्ट एडिटोरियल एवरी वन काउंट्स ठीक है। इसको हम थोड़ा सा रीड करते हैं प्रॉपरली। सी एवरी वन काउंट्स, द सेंटर मस्ट बी यूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ द पॉज इन NPR टू रीड्राफ्ट क्वेश्चन, क्लियर। कि सेंटर को NPR को पॉज करना चाहिए। द सेंटर डिसीजन टू पोस्टपोन द फर्स्ट फेज ऑफ 2021 सेंसस अर्लियर प्लान टू स्टार्ट इन अप्रैल 1 वॉज एक्सपेक्टेड टू व्यू ऑफ COVID-19 आउटब्रेक दैट हैज ब्रॉट लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। द 21-day national lockdown called by Prime Minister Narendra Modi is until April 15, but return of any semblance of normalcy in daily life will take many more week. ये सबको पता है कि 15 अगर lockdown 15 को खुला तो काफ़ी time अभी ले जाएगा हमारी routine life को stable होते होते, पर I don't think so कि 15 April के बाद extend कर सकते हैं, because आज तो वैसे minister ने बोला कि अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बट जब तक हमारी सिचुएशन सही नहीं होती, जब तक न्यू पेशेंट ठीक है कोई आते नहीं है, इफ नॉट मंथ इंडिया स्टिल स्ट्रगलिंग टू मेक सेंस ऑफ द एक्सटेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ द पेंडेमिक ठीक है। पेंडेमिक जो पूरे वर्ल्ड में महामारी फैली है एंड द कंपनिंग एंड इनएविटेबल इकोनॉमिक कैलमिटी, तो वट इज फॉर सर्टेन इज दैट ऑल रिसोर्सिस पब्लिक एंड प्राइवेट विल नीड टू बी मोबिलाइज first for combating the malady and then for tending society and economic back to its health and dynamism. The census is massive exercise which involves mass contract and diversion of resources. According to the original schedule, the first phase kab to hona tha, April to September, would have been including house listing and updation of NPR. NPR हमने एक टॉपिक में डिस्कस भी किया था, NPR जिसमें आपकी पॉपुलेशन की रजिस्ट्रेशन होगी, NPR एंड सेकेंड फेज इन फेब्रवरी 2021 वुड हैव बीन पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। द सेंटर हैज डन वेल बाय पुटिंग ऑफ द फर्स्ट फेज अंटिल फर्दर ऑर्डर्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन फोकस ऑन प्रेसिंग टास्क ऑफ कॉम्बैटिंग द कोरोना वायरस। द एक्सपेक्टेड सस्पेंशन ऑफ सेंसस ऑपरेशन ऑल्सो ओपन अ फ्रेश विंडो एंड एंटायरली न्यू कंटेक्स्ट फॉर रिकंसिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स ऑन द एक्सरसाइज इटसेल्फ। इफ द NPR एक्सरसाइज एंड अलाइड क्वेश्चनिंग रिगार्डिंग सिटीजनशिप राइट्स हैड टर्न्ड इंडियन इनटू कॉल्ड्रम ऑफ डिस्कॉर्ड ठीक है। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है दिक्कत, आपस में अल्टरकेशन। द पैंडेमिक फोर्स द कलेक्टिव अटेंशन ऑफ द कंट्री ने द वर्ल्ड ऑन द इंटरकनेक्टनेस ऑफ द मॉडर्न लाइफ। सेवरल स्टेट गवर्नमेंट हैड मेड देयर ऑपोजिशन क्लियर टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एंड एडिशनल क्वेश्चन इन NPR प्रो फॉर्मा दैट मे फेयर इन द प्रील्यूड टू द समथिंग मोर साइनिकल एंड डिविसिव दैट इज बेस्ड ऑन सम क्वाइंट आइडियाज ऑफ नेशनल हुड।
The center clarified that people could choose not to respond this question, but never bother to address the underlying concerns. Clear? Underlying concerns. The pandemic is a reminder that future of humanity is collective and cannot be fragmented. Clear है? हमारा जो future है वो collective है, fragmented का मतलब अलग अलग part में नहीं है. And center can turn this crisis into opportunity to restore mutual respectful terms for relations with states and harmony among communities, both currently frayed. Unshakable national unity is essential for country to tide over pandemic crisis. If India can come out of this more united and more resolute, okay, the pain of pandemic will fade sooner. The coronavirus is forcing the re-examination in many national or many nation about the national power. The center must use this sobering backdrop of analyze Indian priorities as a country and revisit its data of citizenship and plan for a NPR. Clear? तो ये बहुत simple सा article था, ये भी COVID-19 के बारे में ही, उसके साथ हमारी सोसाइटी को बात की कि हमें सोसाइटी में कैसे यूनाइट रहना चाहिए. एंड नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल पार्डन. ठीक है, पार्डन मतलब माफी. फ्रीइंग अ सोल्जर कन्विक्टेड फॉर मासेकर डैशिंग होप फॉर अकाउंटेबिलिटी इन श्रीलंका. ये श्रीलंका का आर्टिकल है. द ग्रांट ऑफ प्रेसिडेंशियल पार्डन ऑन थर्सडे टू अ श्रीलंकन सोल्जर ऑन डेथ रो फॉर मर्डरिंग 8 तमिल विलेजर्स has sparked justified outrage among those who have been demanding justice from the state for past crime. Far from helping the cause of accountability for wartime atrocities, President Gotabaya Rajapaksa, clear? So, President ka naam yaad hona chahiye aapko. One word question. Has gone other way to nullify a rare instance of justice being ensured by Sri Lankan judicial system. Not many army men have been brought to book for attack on civilians, but in what came to be known as a Mirosevil massacre, okay, and military police has immediately detained the soldiers involved and denying them impunity. The victim include three boys aged 5, 13 and 15. In December 2000, a group of internally displaced villagers had come to have a look of their war ravaged home at Mirosevil in the Jaffna Peninsula. ये जो locations हैं, ऐसे location direct question बन सकते हैं, इसलिए मैं इसको word to word, line to line read कर रहा हूँ कि ये word आपने किस context में सुने हैं. Clear? Please, that's why I'm reading just line to line, क्योंकि IAS में direct question आएगा कि ये अपने word किस context में सुने हैं. They ran into some army men who led them away blindfolded. Their bodies were later found in sewer which their throat slit. Only one who escaped later led the military police to the spot and turned a crucial witness. Five soldiers were indicted. Indicted ka matlab hota arrest. Theek hai? And special provision for having a trial before bench of three high court's judges were invoked. The plodding trial ended in 2015 with only one of them, Sunil Ratnayaka, being found guilty, which he was sentenced to death, and there is a moratorium on execution since 1976. Okay, moratorium ka matlab usko defer kiya gaya. It hardly need emphasize that the exercise of the power of pardon is an act of compassion, not a tool for political or electoral messaging. However, President Gotabaya Rajapaksa has sent out a message to his vast body of supporters among the Sinhalese that he would not let war heroes languish in prison, even if it means that minority Tamil get a chilling message that substantive justice for war crimes will also always elude them, and even when rendered, it could be undone with the stroke of the pen. There is also an electoral angle to the decision, and parliamentary polls were set for April 25, but now been postponed in the view of a global pandemic. The view of granting pardon may have been going on
in the run-up of the polls, and Sri Lanka constitution laid down a particular procedures that said president must get a report from a trial judge and attorney general advise on that recommendation from the ministers for justice before he can pardon a convict. However, there appeared to be no rule that such advice or recommendation is binding. Apart from some domestic voices from the Tamil leadership, individual politician and the United Nations Human Rights Commissioner and right watchdog bodies have questioned the release of soldiers, rightly calling it an affront to the victim. Clear? The pardon granted at a time when the country focused on fighting COVID-19 is a serious setback to hope that accountability could be brought about the Sri Lanka through domestic mechanism.